कम बोते हैं, जो ठहराया है परमेश्वर ने अगर उसे कम बो रहे हैं उसकी घटती हो रही है। मैं कह रहा हूं कि आज का वचन आपको सुनने में अच्छा ना लगे, लेकिन आज रात तुम्हारे दादे परदादों की ग्रोथ हुई या ना हुई हो, लेकिन तुम्हारा नंबर तुम इतिहास रचोगे अपनी फैमिली के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम्हारी सोच में आ गया जिसने डिसीजन ले लिया, फैसला ले लिया, वो बढ़ता चला जाएगा और आशीषित होता चला जाएगा यीशु के नाम में। मैं आपके सामने दूर की गवाही ले रहा हूं, सामने की गवाही ले रहा हूं, सोनू की, सोनू स्टैंड अप। हां, ये बंदा जब इसने बपतिस्मा लिया कुछ नहीं था, जीरो था ये, और जब इसको दशमांश देने के बारे में बताया और उसके बाद परमेश्वर ने कितना बढ़ाया तेरे को, कितने का प्रोजेक्ट दिया था बीच में तूने गवाही दिया था, जोर से बता, 8 लाख रुपए का दशमांश कितना दिया था उससे पहले, पहले क्या कितना था, पहले कितना कितना देता था, 50,000 कभी लाख, 50,000 कभी लाख देता था, और परमेश्वर ने इसको देखा 50,000 दशमांश दिया और इसको 60 लाख रुपए का एक और फायदा करा दिया यीशु मसीह के नाम में, प्रॉफिट कराया, प्रॉफिट, प्रॉफिट मतलब 6 लाख दशमांश बना इसका। सारे बोला हालेलुया, अब समझ, 60,000 बना होगा, 60,000। मैं फिर उन लोगों के लिए बोल रहा हूं कि अगर आज रात आपने सोच लिया तो परमेश्वर बढ़ाता चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। इस बंदे की दो दो कंपनियां होगी, कार लिया इसने उसके बाद, परमेश्वर बढ़ाता चला गया। लेकिन जो लोग करह के बोने में कमजोर हैं, उनकी जिंदगियों में करह के सब कुछ सूखा रहता है, वो कभी फाइनेंस की ग्रोथ नहीं करते, वहीं के वहीं रहते हैं, क्योंकि वो शक करते हैं परमेश्वर पर। इसलिए परमेश्वर ने कहा परख कर देख, शक मत कर, करा योब आप भला है कि नहीं। आज बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, लेकिन उन लोगों को बोल रहा हूं जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, आज रात आपकी तरक्की करा ऐसे नहीं होगी, करा ऐसे बोने वालों की तरक्की होगी। अगर जो आप ऐसा रखोगे बोने के लिए, आज के बाद देने वाले बनोगे। पवित्र आत्मा करे कि तुम भी करा देने वाले बन जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। स्वर्ग से ऐसे याद देगा परमेश्वर आज। करा आज के बाद अपने फाइनेंस को चेक करना, इस मीटिंग के बाद जिसने दे दिया और सुन लिया, मैं आज से फैसला ले लिया, फैसला ही आज के बाद डेट लगाना पूरे महीने और 30 दिन में अपना कैलेंडर चेक करना कि परमेश्वर ने आपको कितनी बरकत दी आज के बाद यीशु मसीह के नाम में। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि इफिसियों 4:26 में दो ही कारण है, एक है आपका गुस्सा और एक दशमांश की चोरी करना। कह रहा है दो चीजें, गुस्सा जब आ जाता है उसके बाद इंसान देना बंद कर देता है। मैं एक बार ऐसे ही पूछ रहा था, एक लेडीज में निकाल रहा था दुष्ट आत्मा, तो उसी समय वो कह रही थी, मैंने कहा कौन है तू इसके अंदर, कहती मैं गुस्सा हूं, गुस्सा मेरा नाम है, गुस्सा। हालेलुया। इसने क्या कहा, राक्षस। मेरा एक चेला मेरे से ट्रेनिंग लेकर गया और ट्रेनिंग लेने के बाद उसने एक महीना दशमांश दिया, उसने मुझे 1,000 रुपये, मुझे पता लग गया 10,000 है, उसने मुझे 2,000 दिया, मैं समझ में गया इसका 20,000 इनकम होगी है। उसने मुझे 3 दिया, मैंने कहा 30,000 इनकम होगी है इसकी। उसने मुझे 4,000 दिया, मुझे पता लग गया इसकी 40,000 इनकम होगी है। उसके बाद उसकी इनकम बढ़ गई, उसने कहा पादरी को पता लगेगा, उसने देना बंद कर दिया। उसने देना ही बंद कर दिया। और जब उसने देना बंद किया, थोड़े दिन के बाद वो किसी घर पर गया प्रेयर करने के लिए और उसका फोन आता है, कह रहा पादरी साहब भूतड़ी निकल नहीं रही, कहती जाती नहीं, जा क्या कर ले क्या करेगा, कह रहा आधे घंटे से फंसा हुआ हूं। मैंने कहा ऐसे कर, जा वीडियो कॉलिंग कर, क्योंकि मुझे पता था आज मजे आने हैं। मैंने कहा वीडियो कॉलिंग कर, उसने वीडियो कॉलिंग किया और वो से कह रहा था निकल जा, बाइबल में लिखा नाश करने वाली को घुड़क दूंगा। दुष्ट आत्मा कह रही ठीक है, इसका तो नाश करना बंद कर दूंगी, अब मैं तेरा नाश करूंगी। वो कह रहा ये लोग दशमांश देते हैं, और वो कह रही तू चोरी करता है, उसकी बेइज्जती होकर मैं वीडियो कॉलिंग में हंस रहा। मैंने कहा डर मत, डर मत। और उसी समय उसने जब दुष्ट आत्मा के मुंह से सुना, सीधा बोल रहा कहता आज के बाद दशमांश दूंगा पादरी साहब, आपको दशमांश दूंगा, पूरा दूंगा बाप। मैंने कहा हाँ, मुझे कहना नहीं पड़ा, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं, कह रहा उसके बाद जब उसने फैसला दिया, मैंने कहा चल निकल जा, वो निकल गई यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, कह रहा अगर आप बोते नहीं है, अगर आप प्रचार प्रचार करते हैं कर्म नहीं करते हैं, तो आपके बोने का फायदा नहीं है। समझ रहे कि नहीं, आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सेब सेब चाहिए और लगा रहे जाके राजस्थान में है, क्या नहीं मिलेगा वहां पर, क्या मिलेगा, मूंगफली। संतरा जाकर राजस्थान में लगा रहे, क्या निकलेगा वहां से, मूंगफली, राजस्थान में मूंगफली होती है। सेब लगाना है जाकर पूना में बो रहे हैं, जलगांव में, क्या निकलेगा वहां से, केला, वहां पे केला होता है। हालेलुया।
कह रहा इधर उधर दाएं बाएं बो रहे हो, पादरी बजिंदर के यहां नहीं बोना। मैं कह रहा हूं उपजाऊ भूमि पर बोगे, प्रतिफल आएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। कह रहा हूं उपजाऊ भूमि पर बोगे, परमेश्वर देगा, क्योंकि मेरा कमिटमेंट है परमेश्वर, जो तू मुझे देगा रात को इकट्ठे करूंगा और हंसूंगा सुबह जा रहा है, क्योंकि मुझे पता है मुझे परमेश्वर के लिए बोना है। एक दिन ऐसे नहीं हेलीकॉप्टर आएगा यीशु मसीह के नाम में। डॉक्टर कोलगेट करते हैं, आप कोलगेट करते हैं, कोलगेट कितने लोग कोलगेट नहीं करके आए आज, कितने लोगों के घर में कोलगेट है कि नहीं, कंपनी है कि नहीं कोलगेट की, कई लोगों के घर में है। उसका मालिक का नाम डॉक्टर विलियम है, वो मछली पकड़ता था जोड़ के अंदर पहले और उसका पाउडर बनाता था, बसों में बेचता था। और थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, थोड़े दिन के बाद उसको जब टीचिंग मिली दशमांश के बारे में, वो टीचिंग देने लगा, भेंट भी देने लगा, दशमांश भी देने लगा। और उसके बाद उसकी एक फैक्ट्री खुली, दो फैक्ट्री खुली, आज पूरे वर्ल्ड में उसकी फैक्ट्री है कोलगेट वाले की आज तक। और वो इतना देता है प्रभु को, और वो साल में कई बार उसका मूड करता है तो वो एक हेलीकॉप्टर दान करता है। उस दिन से मैं उसका नाम लेके प्रार्थना कर रहा हूं आएगा मेरे चर्च में, बोलो हालेलुया। उस दिन से मैंने हेलीकॉप्टर मांगना शुरू कर दिया। जिस दिन मैंने छोटा सा प्रभु में आया था मैं, उस दिन मैंने ये गवाही सुना था। जब मैंने गवाही सुना तो मैंने कहा यार हेलीकॉप्टर में करता तो कुछ नहीं हूं, नकल मार के पास हुआ हूं, फौज की नौकरी मैंने छोड़ दी और सेवा मेरे बस की नहीं है। पर मैंने कहा चलो मांगना तो मेरे बस का है, हालेलुया। मांगता रहा, मैं भी समझ रहा था कि इतने साल क्यों लग रहे थे मांगने में। मैंने कहा परमेश्वर हटना ही नहीं है, मांगते रहना। अगर आज आप मांगने में तैयार है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपको देने के लिए भी तैयार है, लेकिन एक बार दे देगा मांगने से, लेकिन आप दोबारा 5 महीने फिर बैठोगे मांगने के लिए, नहीं देगा आपको। बोना अगर एक में ईमानदार रहे, परमेश्वर अगली बार आपको मांगना नहीं पड़ेगा, लिखा मांगने से पहले दे दिया करूंगा, हालेलुया। यिर्मयाह को कहा मांगने से पहले दे दिया करूंगा। आपने 5 महीने मांगकर एक बच्चा दिया, उसके बाद आपकी कोख बंद हो गई, आपको गवाही दे रहा हूं। एक औरत थी, मांगने के बाद उसने 5 महीने लगाए और रोई, पूरा साल लगा दिया मांग मांग कर परमेश्वर से, हन्ना की तरह रोई गिड़गिड़ाई, और उसको एक बच्चा मिला। अगले साल फिर उसकी कोख बंद हो गई, रीजन। और जैसे ही वो दोबारा मेरे पास आई तो पवित्र आत्मा ने कहा इसको बोल टाइट दिया कर अपना, और उसी समय फिर से वो गर्भवती हो गई, हालेलुया। आपको समझना है, कह रहा कि आप अपनी अपने कामों की कोख को बंद करा लेते हो परमेश्वर से आशीष लेने के लिए, कहता कि आप बंद करा लेते हो। एक बार आप अपनी प्रार्थना से संघर्ष करके परमेश्वर से 5 करोड़ का बंगला भी ले सकते हो, लेकिन उसके बाद फिर क्या आपके घुटने इतने तैयार रहेंगे, बूढ़े में क्या आपकी जबान तैयार रहेगी, आपका रोज इतनी जोर जोर से मांगोगे, हो जाएगा आपसे मांगना, नहीं होता। झूठ बोलते हैं लोग, मैं प्रार्थना करके किया सब कुछ, लेकिन प्रार्थना आपकी अलग चीज है। प्रार्थना करने से मिलता है, लेकिन प्रार्थना के साथ साथ ईमानदार रहने वालों के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता, उनके मांगने से पहले परमेश्वर दे दिया करता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। करा या इस यूसुफ को जब प्रधानमंत्री बना दिया, यूसुफ बड़ा खुश हो गया, कहता यार मैं खटे विच सीगा, जेल विच सीगा, ते परमेश्वर ने बड़ा वधिया काम किया, एदा मतलब मेरी प्रार्थना सीगी, मैं प्रधानमंत्री बनया। परमेश्वर ने कहा ओए हेलो, तेरी प्रार्थना नहीं है इतनी, ये कह रहा जितना तेरे याकूब ने, तेरे बाप ने, कह रहा मेरे से बहुत पहले ये मन्नत मांगी थी और दशमांश दिया था मुझे, हालेलुया। समझ रहे हैं कि याकूब ने कहा था परमेश्वर अगर तू मेरी रोटी, मुझे रोटी कपड़ा मकान दे और मेरे बच्चों और मेरे परिवार को संभाल कर रखे, अगर तू मुझे इस यात्रा में संभाल कर रखे और मैं तुझे अपना दशमांश तुझे दिया करूंगा, परमेश्वर ने कहा जा मैंने ठान लिया आज से मैं तेरे हर काम में ग्रोथ किया करूंगा, तेरे बच्चों की ग्रोथ करूंगा। ऐसी ग्रोथ की परमेश्वर ने उसकी कि वो प्रधानमंत्री बन गया देश का, हालेलुया। आपने कोई अंदर ऐसा टैलेंट नहीं है कि आप प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन आपके अंदर ऐसा कोई टैलेंट नहीं है कि आपने ऐसी कोई पढ़ाई नहीं की हुई जो एक मिनट में आप फैक्ट्री खोल लें, परमेश्वर कह रहा है लेकिन दशमांश देने वालों के लिए आकाश के झरोखे खोल दूंगा। आमीन। कह रहा बड़ा दिल खोल दूंगा आज। yes. आज परमेश्वर अपना बब्बर शेर की तरह दिल खोलने वाला अपने लोगों के लिए, क्या तैयार है कि नहीं चर्च? यस। कह रहा बोना, पहले बोना फिर काटना है, हालेलुया। कह रहा परमेश्वर का नियम है ये, अगर आपको अपनी आत्मिक उन्नति करना है, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, सब कुछ करो, लेकिन अगर आपको फाइनेंस की ग्रोथ चाहिए तो आपकी फाइनेंस की ग्रोथ नहीं होगी। कह रहा ये याद रखना, हालेलुया, क्योंकि जैसा बोगे, हालेलुया। अपने पड़ोसी ने बोलो जितना था बोएगा उतना कटेगा, हालेलुया। अपने पड़ोसी की आंख खोल दो, नींद आ रही होगी उसको आज, सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर को कि परमेश्वर आज मैंने तेरे वचन को सुना, तेरे कलाम को सुना, मैं आज इस समय फैसला लेता हूं परमेश्वर,
कहूं आज कि पवित्र आत्मा में फैसला लेता हूं कि आज से मैं परमेश्वर अपनी फाइनेंस की ग्रोथ को समझ गया हूं, क्यों नहीं हो रही थी, क्यों नहीं कर्जा जा रहा था, क्यों नहीं मैं लाइफ में तंगी गुजार रहा था, मैं मुझे आज पता लग गया परमेश्वर, मैं माफी मांगता हूं। और पवित्र आत्मा जी आज से मैं फैसला लेता हूं कि मैं तुझे इस समय दशमांश दिया करूंगा, भेंट दिया करूंगा, अगर तू मुझे बढ़ोतरी करे मैं और बढ़कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में, तू मेरी और बढ़ोतरी करे मैं और बढ़कर दूंगा। परमेश्वर जितने फैसले ले रहे हैं आज रात के बाद इसी महीने में दिखा इन्हें कि पवित्र आत्मा बढ़ोतरी करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जुगाड़ करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, वो कर्जे से निकालने वाला, तंगी से निकालने वाला, बीमारी से आजाद करने वाला, शराबों को खत्म करने वाला परमेश्वर है। आकाश के झरोखे खोल दे मेरे परमेश्वर इनके लिए आज। गरीबी का कर्जा जुआ टूट रहा आज आपके ऊपर से, मैं देख रहा हूं एक एंजल आ रहा है, जितने आमीन बोल रहे हैं आज आमीन, एक एंजल आ रहा है, मैं देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं। और जो लोग गरीबी में जी रहे हैं, फटे कपड़ों में जी रहे हैं, फटी टूटी सी कार में आ रहे हैं, थूक दो आज, बोलो कल नहीं आऊंगा, फैसला ले लो आज। टूटे से स्कूटर मोटरसाइकिल पर आ रहे हैं, बोलो अरे मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है, वो आपको बहुत रिच करना चाहता है। आमीन। कह रहा मैं कंगालों को धनवान करने के लिए आया हूं, हाँ लेकिन कंगाल समझते नहीं है, पहले दोगे फिर माला माल करूंगा, लेकिन शक करते हैं, विश्वास नहीं है उनको। आज का वचन आपकी बढ़ोतरी के लिए चर्च। यस आमीन। हव्वा ने पहली कमाई का फल खा लिया, पहला फल पेड़ से तोड़कर खा लिया। बहुत लोगों को, बच्चों को भी समझाता हूं मैं कि पहली कमाई मत खाना, उसका पहला दसवां हिस्सा। 10,000 कमाते हो 1,000 प्रभु का, 1,00,000 कमाते हो 10,000 प्रभु का, 10,00,000 कमाते हो 1,00,000 प्रभु का, अगर साइड में रख दोगे भाई साहब आप अपने पड़ोसी की जमीन भी माप लेना चाहो आज यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर कह रहा है इतना बढ़ाऊंगा, बढ़ता चला जाऊंगा। लिखा इसहाक बढ़ता चला गया, उत्पत्ति की किताब में लिखा इसहाक बढ़। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया, उस देश में बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, उसी देश में उसी साल में। हालेलुया। मैंने क्या कहा, अय्यूब ने शुरू में कहा पूरे साल सुखी रहना है कि दुखी रहना है, जो सो रही है वो दुखी रहेंगी, जो जाग रही है वो खुश रहेंगी, एक पेपे सोंडई है पीले छाल वाली। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया। याद रखना 2024 में बोगे 2024 में काटोगे, लेकिन मैं कह रहा हूं 2023 में बोगे 2023 में ही 100 गुना पाओगे आज। आमीन। विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाओ। और एक कैंडल बहुत सारे लोगों के नजदीक आ रहा आज। मैं इसी समय महसूस कर रहा हूं, जब मैं प्रचार करता हूं मुझे एंजल वो नजर आ रहे हैं, और इसी समय मैं देख रहा हूं कि किसी के घर में कॉइन आएंगे, पंख आएंगे, ये साइन होगा, आज मिराकल मनी होगा आपके ऊपर, आज बंधन टूटेंगे। एंजल आए हुए हैं यहां पर, मैं फिर से कह रहा हूं आज एंजल आए हुए हैं, आप गरीबी के शराब में से हट जाएंगे। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है किसी की गवाही बनेगी, कोई बहन है यहाँ पर बैठी है और वो कह रही है कि परमेश्वर मुझे साइन दिखा, मेरे भाई को, मेरी मम्मी को ठीक करके दिखा, कोई प्रॉब्लम ऐसा, कोई मेरे बाप को ठीक करके दिखा, कोई ऐसा बोल रहा भी यहाँ पर कि परमेश्वर मैं आज से दसवां देना स्टार्ट करूंगा। तूने फैसला लिया है, चेक करना घर जाकर, पवित्र आत्मा गुड न्यूज दे रहा है इस महीने के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं, ऊंचा करो आज, और 2 सेकंड के लिए मांग लो परमेश्वर से। आप खाली हाथ नहीं जाएंगे चर्च, रबा रबा सना, रबा रबा सना। परमेश्वर जिन लोगों ने फैसला ले लिया है, पवित्र आत्मा तू आज उन्हें चेक कर ले आज मेरे पिता परमेश्वर, ये बढ़ने पाए घटने ना पाए पवित्र आत्मा जी। आज आज सच में परमेश्वर ये जैसे भी हैं पवित्र आत्मा, इसी समय आशीष देने यीशु मसीह के नाम में, आज आशीष देकर भेज देने यीशु मसीह के नाम में, आशीष देकर भेज। पवित्र आत्मा तू भेज रहा है, तू भेज रहा है, तू आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में, तेरी आशीष छोटी नहीं है पवित्र आत्मा जी। आज परमेश्वर तू इनके तंबू चौड़े कर दे आज यीशु मसीह के नाम में, इनके बैंक बैलेंस चौड़े कर दे आज यीशु मसीह के नाम में, इनका घराना, इनके बच्चे इतिहास रचने पाए। तेरा वादा है कोई भी कच्चा नहीं गिरेगा आज के बाद, तुम्हारा बिजनेस, ब्यूटी पार्लर, प्रॉपर्टी डीलर, कोई फैक्ट्री, कोई जॉब कच्ची नहीं गिरेगी, कोई फॉर्म कच्चा नहीं गिरेगा, कोई रिपोर्ट कच्ची नहीं गिरेगी, नॉर्मल आएगी यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में।
फिर से कहो दर 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 ताली बजाओ उसकी महिमा, दिल से कहो दर 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 ताली बजाओ उसकी महिमा, फिर से गाओ यीशु यीशु नाम सुनाओ, यीशु यीशु नाम सुनाओ, डूबे उसके झूम के गाओ, आंखों से पर्दे हटाओ, प्रतिष्ठ के गीत गाओ। सब बैठे रहे अपने स्थान पर बैठे रहे, और इस समय अपने पड़ोसी को बोलो आंखें से पर्दे हटा। बिना बोए बढ़ने वाला नहीं है, मैंने क्या कहा बिना बोए, क्या कहा उसने, आंखों से पर्दे हटाओ, बिना बोए बढ़ने वाला नहीं है। आज विश्वास करना है, हालेलुया। फिर से गाऊं, फिर से गाऊं, फिर से गाऊं, ताली 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 बजाओ उसकी महिमा, दिल से गाओ ताल 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 ताली बजाओ उसकी महिमा, दिल से गाओ यीशु यीशु नाम सुनाओ, यीशु यीशु नाम सुनाओ, रूमे उसके झूम के गाओ, आंखों से पर्दे हटाओ। सारे बोलो हालेलुया। मैं फिर बोल रहा हूँ, 5 तारीख को फिर हम प्रभु भोज लेंगे, और 5 तारीख को जो बैप्टिज्म वाले हैं वो आएंगे, मेंबर वाले आएंगे, वॉलंटियर क्वायर आएंगे, जिन्होंने बैप्टिज्म लिया हुआ है, जिन्होंने प्रभु को अपना जीवन दिया, वो लोग ब्रेड और ये प्रभु भोज लेंगे। इसका मतलब जरा जब जब भी प्रभु भोज लिया गया, नया अभिषेक आया, और ये प्रभु भोज जो लेता है वो शैतान की ताकत को लूज करता है। क्यों? क्योंकि एक पापी जब पश्चाताप करता है तो शैतान की पावर लूज हो जाती है, जो आपके घर में घुसा हुआ है काम करने के लिए भेजा गया है। फिनिश। सारे बोले हालेलुया। आज विश्वास करना, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। क्या आप तैयार हैं? काम कराने के लिए तैयार हैं? आशीष लेने के लिए तैयार हैं? तो अपने हाथों में उठाओ प्रभु भोज को, और जिस समय ऊपर करो अपनी ब्रेड, और जिस समय प्रभु ये तेरी देह है, और जो विश्वास करते हैं आज, पवित्र आत्मा तूने कहा कि तुम मेरी देह में से खा रहे हो आज, मेरे लहू में से पी रहे हो आज। सच में मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी, जो भी कोई जाने अनजाने में, फिर से कहूँ बोलो प्रभु यीशु मसीह, जो भी कोई हमसे गुनाह हुआ है, सच में हम क्षमा मांगते हैं। हमने किसी चीज की भी चोरी की हो, झूठ बोला, गाली दिया, शराब पिया, व्यभिचार, नशा, क्रोध, आज हम सब छोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी आज तू हमारे ऊपर दया कर यीशु मसीह के नाम में, और इस समय अनुग्रह कर, हम बड़े आज से घटे नहीं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जो प्रभु बोझ ले रहे हैं उनके घर में आज से आशीषें ही आशीषें आना शुरू हो जाए, आशीषें आना शुरू हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जब जब मैंने प्रभु बोझ लिया, जब जब मैंने प्रभु बोझ लिया, तब से अनोइंटिंग डबल हुई है यीशु मसीह के नाम में। इस प्रभु बोझ को खाना, अभी आपकी गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। yes. सब खा सकते हैं। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर यहाँ पर है? विश्वास कर रहे हैं? आज समझ में आया आपको? देखो कितने लोग तंगी में, मुझे हाथ उठाकर बताओ, तंगी में, तंगी में। मैं आज देखो ये सारा चर्च तंगी में। इसका मतलब प्रभु सही कह रहा था आज का प्रचार करना। प्रभु ने मुझे कहा ये प्रचार कर, मैंने कहा प्रभु सबसे भेंट ले तो रहे हैं क्रिसमस की। परमेश्वर ने कहा नहीं बेटे, कह रहा ये समझ जाए दशवांत देने के बाद। आप याद रखेंगे प्रॉफिट बजिंदर को, मेरे ऊपर ये आशीष है, जो मेरे चर्च में रहता है और इस आज्ञा को मान लेता है वो करोड़पति हो जाता है इस समस्या के नाम। लेकिन मैंने देखा जो मेरे नजदीक रहते हैं ना वो नहीं मानते, जो मतलब रोज मिलते हैं मेरे को, रोज मिलते हैं, वो सोचते हैं शायद ना पादरी से दुआ कराई जाएंगे, हाथ रखाई जाएंगे, काम हो जाना, समझ रहे हैं? हाँ। इसी समय परमेश्वर प्यार करता है आपसे, आपको आशीष देना चाहता है। मैं एक एक के लिए बोल रहा हूँ, एक एक के लिए, जो जिनको मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, एक एक के लिए। आप सब पूरे 3 महीने के बाद मुझे बताना, दशवांश देने के बाद आप तंगी में से बाहर आएंगे यीशु मसीह के नाम। आप वो बनेंगे जो आपने सोचा भी नहीं होगा। यस। परमेश्वर, लेकिन ऐसा होता है, 1 महीना देते हैं, 2 महीने चेकिंग हो जाती है, आपको देना है। ये देखो खड़ा हो जाए, ये मेरा मिस्त्री, खड़ा हो जाए, ये कुर्सी पे खड़ा हो जाना, तो अमिताभ बच्चन थोड़ी है। सुनो, देख मेरी तरह पेंट कोट डाल के आया आज, व्हाइट कमीज डाल के आया। सारे बोले हालेलुया।
ये सफेदी करता है yes. और दशमांश निकालता है अपना, उससे ज्यादा yes. भी निकालता है, भेड़ yes, भी निकालता yes, है। पापा जी मैं वही सोच भी रहा था हाँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दशमांश क्या, मैं उससे ज्यादा तो हमेशा ही देता हूँ, आपसे देता ही रहूंगा मैं। हालेलुया हालेलुया। हाँ सुन लो अब yes. ये एक बहुत बड़ी थार लेने वाला 14 लाख की। आमीन। कौन सी गाड़ी चाहिए इधर को? थार। क्योंकि पता क्या, मैं सोचता हूँ कि मेरे प्रभु की बेइज्जती ना हो। तू तो जो सोचता है, मुझे पता तेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं अभी। तू तो नहीं है, कम से कम 1 लाख से ऊपर है बस। और थार कितने की है? मुझे ये नहीं पता। 16 लाख की है। जितने मर्जी की हो पापा जी, पर मुझे मिलेगी मैं जानता हूँ बस। समझ रहे हैं आप? यस। फाइनेंस में ग्रोथ यस। एक छोटा सा आदमी जो सफेदी करता है, ये एक दिन आप देख लेंगे बहुत बड़ा ठेकेदार होगा। यीशु मसीह का वो रंग छड़े आई मेनू, रंग छड़े आई मेनू। सुनो, आपने भी हाथ उठाया, तंगी में हो, कहां से आए आप? हाँ माइक करो। सुनो बेटा सुनो, मेरी बात को सुनना है। यस। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। यस पापा। मैं स्माइल जब देने लगता हूँ तो अंदर कुछ कुछ होने लगता है लोगों को, लेकिन मैं दूंगा नहीं स्माइल अभी। रुक जा। हैं? अच्छा सुनो, इधर कौन है आपके साथ और? हाँ मेरी सिस्टर। इधर आ जाओ, इकट्ठे आ जाओ। अच्छा अच्छा, हाँ बस हाँ, कैमरा चल रहा है, सुनना ध्यान से। आप इधर हो जाओ, शाबाश। ओए छोड़ दे, हट जा पीछे। हाँ इधर बस सुनो। यस। देखो आप तंगी में चल रहे हो, प्रभु मुझे यहाँ बता रहा है। आप एमपी से आए हो, मुझे प्रभु यहाँ बता रहा है। मेरे को नहीं पता, मैंने कहा चला तंगी हटाते हैं बीच में चल के लोगों की। बोला हालेलुया। सुनना सुनो सुनो, ऐसे कितने लोगों को पता है सुलेमान के घर में धन कब आया था? जब एक शिवा की रानी वहां आई। मेरा नाम शिवा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? अब हमारी मिस्ट्री में भी धन आना शुरू होगा। ईश्वर का नाम। समझ में आ रहे बात? देखो शिवा की रानी, सुनो ये हमारे एमसी साहब बैठे हैं। एमसी साहब खड़े हो जाओ। देखो एमसी साहब, जब से इस चर्च में जुड़े तुम्हारा काम बढ़ गया कि नहीं? डंगर डुंगर सारे ठीक हो गए नहीं? कितने डंगर बीमार रहते थे? बहुत था जी, बहुत सारे डंगर बीमार रहते थे। बहुत बीमार गुजर गए थे जी, फिर गुजर भी गए थे। और उसके बाद क्या हुआ? अब सारे ठीक है। अब सारे डंगर ठीक हो रहे, तरक्की हो रही, पैसा बहुत आ रहा। अब आ रहा जी। इन्होंने मेरे को बोला, करे सारे बैंड वाले के पैसे मैं दूंगा, जाओ बैठ जाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, मैं आपको बता रहा हूं आपकी बढ़ोतरी का साइन है ये। आपकी आत्मिक उन्नति होगी ये मुझे पता है, लेकिन आपकी ग्रोथ चर्च की, आपके फाइनेंस की ग्रोथ नहीं है बिल्कुल भी, जीरो। बहुत सारे लोग कर्जे में। शिवा किरानी ये एमपी से आई है, वो पता नहीं कहां से आई थी, लेकिन सुनो परमेश्वर का आत्मा और बात कर रहा हूं आपसे। और इसी समय आपकी प्रॉपर्टियां, आपकी जगह, सब कुछ शैतान ने खा लिया। यस पापा। मैं सही कह रहा हूं कि नहीं? यस। कोर्ट केस चलाने की कोशिश किया। यस। आप बसते आए, परमेश्वर का नूर आपके ऊपर रहा, पवित्र आत्मा आपके ऊपर दया करता रहा, दया करता रहा। लेकिन अभी इसी समय आपकी डेटे 20 तारीख किसी की और 25 तारीख किसी की लिखी हुई है। हाँ 25 तारीख। क्या डेट है आपकी? 25 दिसंबर। हालेलुया। जिस दिन यीशु मसीह पैदा हुआ उस दिन की डेट है इसकी। होली स्पिरिट ने मुझे बोला करें कि ब्लैक मैजिक हुए आपके ऊपर, लेकिन आप बसते आए। नहीं तो आपकी एक टांग जो आपके और एक कमर आपके बैक में प्रॉब्लम होता है। हाँ या ना? यस पापा। मैं सही कह रहा हूँ कि नहीं? परमेश्वर का आत्मा कह रहा, लोगों का जमीर बिक गया है तेरे लिए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, गलत बोलते हैं तेरे लिए, आपकी फैमिली के लिए, लेकिन आपके घर में जमीर कौन है? जमीर किसको? मेरा हस्बैंड। दुखों दे बेरी यहोवा सुने दुआ, दुखों दे बेरी यहोवा सुने दुआ, इज्जत तेरी बतावेगा, इज्जत तेरी बतावेगा, याकूब इज्जत बनाएगा परमेश्वर। जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, जॉब चाहते हैं जॉब। परमेश्वर का आत्मा आज के पूरे 3 महीने बीतने के बाद 3.5 महीने से पहले गुड न्यूज दे देगा यीशु मसीह का नाम। फेवर करेगा परमेश्वर, आज से रास्ते खोलेगा आपके लिए। सुनो आज बहुत सारे लोगों के जेबों में
किसी के 100 का नोट आएगा भी, किसी के 200 का आएगा, किसी के 500 का आएगा। हाथ उठा के बताओ कि परमेश्वर ईमानदारी से बताऊंगा। अब इन्हीं किसी वजह में हाथ डालना, चुप बाहर निकलो, लालची कहीं के। सुनो, मोबाइल में 1,00,000 रुपए का मैसेज आएगा भी। आपके मोबाइल में मैसेज आने स्टार्ट होंगे, किसी का रिचार्ज हो जाएगा। आज मैं घर से मूड में आया हूं, हालेलुया आया हूं, आज ब्लेसिंग आएगी आपके पर। विश्वास करना वो आपका है, और जिसका निकलेगा उसकी प्रोफेसी करूंगा आज, बताना हो मेरे को आज 5 मिनट के बाद। हाथों को उठा लो, ऊपर करो हाथ, जाओ अंदर। और इसी समय इनके पर्स में, इनकी जेब में कॉइन नहीं, आज 100 के नोट, 200 के नोट, 500 के नोट, आज मिराकल, वो कॉइन, वो पंख इनके पास अभी इसी समय इनके मोबाइल में हर चीज में आने पाए। ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। चेक करो थोड़ी थोड़ी देर में अभी, अरे रुक जाओ 5 मिनट, डिसिप्लिन में थोड़ा टाइम लगता है। सारे बोलो हालेलुया। चेक करना 5 मिनट के बाद, पहले इसी को चेक करते हैं। 100 का नोट निकाल अपना, कोई 100 का नोट देखो है कोई, चेक करो पर्स चेक करो, अपने आप को चेक करो। 100 का नोट, 100 के नोट में आपके 23 लिखा है लास्ट में। सुनो, आपके आपसे बात कर रहा हूं, हाँ देखो चेक करो। और फिर सुनो, एटीएम, एक एटीएम, हाँ चेक करो। कोई मैंने देखा ब्लू कलर का नोट है, चेक करो, हाँ चेक करो, क्या है माइक दिखा, दिखा दिखा माइक में दिखा। 23 है पापा, हालेलुया। 100 का नोट है, हाँ जी 23, हाँ जी। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह का नाम, दिखा स्क्रीन पे क्या लिखा, 23 हो रहा, 23 देख लो, बीच में 23 है कि नहीं, उंगली करके दिखा, 2, 3 बैठ जा नीचे। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। सुनना ध्यान से, एक एटीएम है, एटीएम और आपके पास सुनो, और ऐसे देख रहा हूं 009 कुछ ऐसा 009 ग्रे कलर का देखो, हाँ ग्रे कलर, तो देख धर्मेंद्र 009, हालेलुया यस, हाँ प्रॉफिट जी आप प्रोफेसी कर रहे थे अभी, हाँ ग्रे कलर का एटीएम है, हाँ इसमें 009 लिखा हुआ है, हालेलुया। चेक तेरी वाचा बंद हो गया, तुझा खुल जाएगा, चेक तेरी वाचा, क्या है बता जरा, उंगली हटा, 00 आगे करना इसको, 009 इधर दिखा दे, घर दिखा दे, आपके पास बहुत सारे एटीएम है ना, 009 ध्यान से दिखा, ये देखो 00, हाँ तो इसको ठीक करना, और रेड के ऊपर चढ़ा हुआ 9, क्या कर रहा है ढंग से दिखा, जूम कर शाबाश, हाँ 00 आ रहा 9, 00 जोर से बोलो, ये सुनो करता है प्यार बंदिया, नच दौत वांगू नाले ताड़ी मार बंदे आ, नच दौत वांगू नाले ताड़ी मार बंदे आ, नच दौत वांगू नाले ताड़ी मार बंदे आ। सारे बोले हालेलुया, सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर है, हाँ हाँ बोलो 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 बोलो। प्रॉफिट जी अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे, हाँ। आपके नोट बढ़ेंगे, हाँ। अभी इसने चेक किया, 100 का नोट आया और उसमें भी 23 लिखा हुआ है, जी जय यसुनु यसुनु करता है प्यार बंदिया, नच दौत वांगू ताड़ी मार बंदिया। सुनो, आप कहते हैं कि नहीं नहीं शायद पादरी इनको जानता होगा, सुन रहे हो, लेकिन इनके 100 के नोट को तो नहीं जानता मैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, इनके एटीएम को तो नहीं जानता, एक नहीं है, आप इनको जानते हो दोनों को, कोई एमपी से है, जानते इसको कोई, नहीं जानते, तू कोलकाता से एमपी, हाँ कोलकाता से, तारीफ करो जोर से, हालेलुया। सुन रहे हो, विश्वास करना है, बोलो हालेलुया, ये विश्वास करना है, ये सुनो, ये मिराकल मनी का साइन है, ये साइन है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि मैं ऐसा देख रहा हूँ 50,00,000 रुपया परमेश्वर इसमें डिपॉजिट करवा रहा है यीशु मसीह के नाम में, मिराकल होगा, मिराकल, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बेटे, तूने नहीं छूना इसको, लो गुड न्यूज, अब से गुड न्यूज मिलेगा और इसमें बंधन टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम में, लेकिन जिन्होंने ब्लैक मैजिक किया था अभी इसी समय खत्म हो रहा है, मेरे हाथ की तरफ देख, हाँ, ये लड़की बढ़ेगी,
ये औरत बढ़ेगी, आशीषित होगी यीशु मसीह के नाम में। इसी समय छोड़ दे दुष्ट इसको, छोड़ दे इसकी प्रॉपर्टी को, छोड़ दे इसके पैसे को, छोड़ दे इसके फाइनेंस को, छोड़ दे इसी समय। सबको सबको मारने आया था, सबको मारने आया था, लेकिन अब अभी इसी समय गुड न्यूज आ रही है, फ्री फ्री। मैं किसी को हालेलुया। ये चेक करना आज के बाद, जॉब के साथ, एक घर के साथ और एक न्यू गाड़ी के साथ और 50 लाख, ऐसा मैंने देखा पवित्र आत्मा आपको देने के लिए जा रहा मिराकल मनी इशू के नाम में। सुनो, जो लोग तेरे साथ झगड़ा करते हैं और जो जगह तुम्हें मिल नहीं पा रही, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी 2.5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी की मालिक होने के लिए जा रही है। कितने की 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ बोलना से, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़। कोई रेस्टोरेंट देख रहा हूँ आपका होने वाला है, रेस्टोरेंट है हमारे पास, इसके पास रेस्टोरेंट है। हालेलुया। कह रहे हैं कि वहाँ से वो बिक जाएगा, दूसरी जगह जाएगा। हाँ, हमारा हस्बैंड दूसरी जगह पर लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तीसरे महीने में तुम ले लोगे। इसे वजह बात कर, इसे टोपी वाले से, टोपी वाले से। हाँ भाई, कितने आई मेरा मनी, जल्दी बोल। 310 रुपए की। हालेलुया भाई। हाँ, तू बोलना धर्मेंद्र, कैमरे के सामने सेट। अबे प्रॉफिट जी, अभी आप प्रोफेसी कर रहे थे कि अभी आपके पर्स में मिराकल मनी होगी, ये बता रहे हैं 310 की मिराकल मनी हुई है। हालेलुया। अबे 310 रुपए की। हाँ, और क्या हुआ, क्या हुआ? एटीएम में 00, इनके एटीएम में भी 009 आते हैं। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। यीशु सुनो बेटे, ये 300 रुपए पहले तो नहीं थे ना पर्स में? नहीं, जैकेट में नहीं थे, पर्स में थे। अच्छा, ये देखो कह रहा है ये पर्स में थे पैसे, मतलब पर्स में थे, रखता है पैसे, लेकिन जैकेट में नहीं थे। आपने जैकेट में हाथ मार के देखा, पर्स में मत देखना, जैकेट में भी देखना, इधर उधर भी देखना, चुई मुई जहां भी दिखे वही देखना, जहां भी तुम्हारी जेब हो आज चेक करो, जुराब में भी देख लेना, कहीं ना कहीं जूते भी निकाल के देख लेना, आज अपनी टोपी भी निकाल कर देख लेना, कहीं मिराकल हो गया। ये सुनो जो अभी ये तूने जेब में हाथ मारा, कितने निकले? 310 रुपए। 310 रुपए हिल गया। ये कहता ये कैसे हो गया भाई साहब, है पता ही लगा ये परमेश्वर है। ओए, मेरी जेब में भी निकला ये क्या, 200। सारे बोला हालेलुया। मेरी जेब में भी आ गया, मिराकल हो गया, देखो हालेलुया। बोया नहीं क्या तूने? अपने हाथों को उठाओ। बोला था 00 एटीएम में, 00 भी है पापा, अभी 00 भी है, सुन ले कोई बात नहीं, 00 का श्राप तेरे पर से खत्म हो गया अब। यस, आमीन। समझ रहे? कह रहा है कि आपसे जो तेरे घर के लोग बोलते हैं तू कुछ नहीं करता, बेकार है, बोलते हैं कि नहीं? सबसे बड़ा बिजनेसमैन होगा तू यीशु मसीह के नाम में, अपने घराने के अंदर एक बड़ा बिजनेसमैन होगा। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आज ये प्रोफेसी है तेरे लिए, तूने फैसला लिया, डिसीजन लिया अपनी आत्मा में। सुन रहा है, कहीं कहीं गया, इधर उधर गया, लेकिन दशमान देने में कमजोर नहीं रहना, फेंट देने में कमजोर नहीं रहना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा, सुन, कहता कि तू मोहाली देख रहा हूँ, मोहाली चंडीगढ़, सर चंडीगढ़ मोहाली। हाँ, तो कौन है तुम्हारा? उधर रहता हूँ मैं। ये तू ये सुनू करता है प्यार बंदे। सुनो, तू मेरी तरह हर रोज पैसे गिना करेगा अपने गले में और हंसेगा। समझ रहे? इतना बरकत परमेश्वर देने के लिए जा रहा है। एक दुकान खोलेगा, यस आमीन, बढ़ेगा, यस आमीन, परमेश्वर माइंड में डालेगा, यस आमीन, आपको देगा, कोई बंदा मिलेगा 3 हफ्ते के बाद, यस आमीन, आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, यस आमीन, पैसा नहीं है, कोई नहीं दे रहा है, यस आमीन, एक लोन पास हो जाएगा, यस आमीन, आपको ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, एस नाम से समीर, एस नाम से समीर, गुड न्यूज निकलेगा, यस आमीन, सनी गुड न्यूज आएगा, यस आमीन, नाम दे रहा हूँ उनको, जानता तू, सोनू, सोनू कौन है? रिश्तेदार में ही है। अभी मिलेंगे आपको समीर, सनी, सोनू मिलेंगे, और इसी समय जिसने आपका काम बांधा हुआ है अब हटेगा। कह रहा है कि 500 से ज्यादा नहीं रहते कई बार तेरी जेब में। यस बाबा, सही कह रहा हूँ बाबा, अभी आने के लिए किराया भी नहीं था, आने के लिए किराया भी नहीं था, चर्च में बैठा जो था इसने दान में डाल दिया, परस खाली है, देख लो थोड़े से पड़े होंगे, 100 से कम पड़े होंगे, है 100 ही पड़े हैं, और आपको देख लो, लेकिन कह रहा है, लेकिन एक साइड में छुपा के रखता है 500 का नोट,
कभी कभी कोशिश करता है तो उस नोट को छुपा कर रखने पर्स में, आपने प्रार्थना की थी वो पर्स में रखा 500। हालेलुया। निकाल से निकाल के इनको लगे सच बोल रहे हैं हम, दिखाओ छुपा के रखता है इधर, हमने तो सबके लिए किया था, तुम्हारे लिए थोड़ी किया था। देखो अभी परमेश्वर कहां था, हमारा कहता है ये इसके पास किराया भी नहीं था, कहां से पैसे लाए कहां से नहीं, कुछ भी नहीं था, जो था इसने बो दिया। और उसके बाद 300 रुपया इसके इसकी जैकेट में निकला है। अपने हाथों को उठा बेटे, वो देखेगा पर्स देख ले इसका, चेक कर ले जितने सारे चुपचाप जेब में डाले, धर्मेंद्र तू चेक कर। हाँ अपने हाथों को उठा और देखो वो ब्लैक मैजिक खत्म हो रहा है। आउट यीशु के नाम में फ्री। ये बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ग्रोथ हो रही है इसकी, शमसी का नाम। इसको मार दूंगा, पूरे ग्रहण को खत्म कर दूंगा। ऐसे कैसे करेगा? इसके बड़े भाई को मार दिया, इसके बड़े भाई को मार दिया। इसकी जेब में 310 रुपए आ गया आज, अब तू नहीं मार सकता। कोर्ट केस लगा हुआ इसका, कोर्ट केस भी मैंने लगा के रखा हुआ है। कोर्ट केस, गुड न्यूज, फेवर करेगा परमेश्वर इसकी, और अब तू इसके अंदर ठहर नहीं सकता। चल निकल जा बाहर, आउट आउट निकलो बाहर। मैं जिसी को छूलूंगा, बहुत सारे लोगों के मैं कह रहा हूं जिनके चेक करो, जिसके मिराकल मनी हुआ है, हाथ उठाओ दिखाओ, देखो अपना 100 का नोट, 200 का नोट, 500 का नोट चेक करो, किसी को कॉइन मिला अभी यहाँ पर।